बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। फ्रूट कॉकटेल डिज़र्ट आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होती है और बहुत ही मज़े की होती है। तो यहाँ पर मैंने ये जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, ये मैंने लिए चीनी का पाउडर 4 स्पून भर के, यही वाली मैंने ले ली थी। तो यहाँ पर मैंने ये लिए कॉकटेल, और ये मैंने 3 किस्म की जेलियाँ ली हैं, और ये मैंने लिए बलाई बिल्कुल फ्रेश, और ये हमने लिया है वनीला कस्टर्ड पाउडर 4 स्पून ये भर भर के लिए, और इसको मैं पानी के साथ जो है ना मिक्स कर लूँगी। 1 लीटर यहाँ पर मैंने मिल्क लिया है, तो इसको अच्छे से मैंने बॉईल कर दिया है ताकि टाइम की जो है ना हमारी यहाँ पर बचत रहे। अब इसमें मैंने शामिल करना है, मिक्स करना है। चीनी शामिल कर देते हैं इसमें, हम ऐड कर देते हैं इसमें हम चीनी पाउडर, मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर हम रेडी करेंगे इसका कस्टर्ड। ये पानी में इसको मिक्स करेंगे, दूध में मिक्स नहीं करेंगे। 4 टीस्पून मैंने 1 लीटर मिल्क में भर भर के लिए, ये हमने बनाना है गाढ़ा गाढ़ा। इस रेसिपी में जो है ना ये बिल्कुल गाढ़ा सा पड़ता है। ये बहुत अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो गया है, तो अब इसमें ऐड करेंगे हम मिल्क में। ऐड कर दिया इसमें, एक दफ़े में मिक्स करेंगे इसको हम। हमें ऐसे ही गाढ़ा गाढ़ा सा चाहिए, पकाते रहेंगे जब तक अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। तो यहाँ पर इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तकरीबन ये मिक्स हो चुका है बहुत अच्छे से, तो इसे अभी हम ठंडा करने के लिए थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। तो फिर उसमें सारी जो है ना बाकी जो चीज़ें ऐड करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो माशाल्लाह देखें कितना स्मूथ सा, कितना ज़बरदस्त सा हो गया, और प्यारा सा इसका कलर भी आ गया। बोल में शिफ्ट कर देंगे इसको। अभी बहुत गर्म है, इसे हमें ठंडा करना है। तो ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो मैंने लिए मिल्क पैक, यहाँ पर क्रीम बिल्कुल फ्रेश होती है, बहुत ही अच्छी होती है मिल्क पैक वालों की क्रीम। तो यहाँ पर हम एक पैकेट डाल देंगे इसका, मिक्स कर लेंगे। तो ये बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो चुका है, मिक्स हो चुका है मलाई और कस्टर्ड। तो इसमें जो मैंने 3 किस्म की जेलियाँ ली थी, रेड कलर, ग्रीन कलर, एंजेलो कलर, बहुत प्यारी सी कलरफुल, तो वो ऐड कर देंगे। जितनी आपको इनकी अच्छी लगती है, ज़्यादा हैं तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो ज़्यादा आप डाल दें, कम अच्छी लगती हैं तो कम डाल दें। हमें ज़रा अच्छी लगती हैं ज़्यादा, बच्चे शौक से खाते हैं, तो हम तकरीबन इतना ही इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने कॉकटेल लिया था वो डाल दूँगी। मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसको। माशाल्लाह इतना प्यारा सा बना है डिज़र्ट हमारा। बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा इसको हमने ठंडा करके खाना है। तो ईद वाले दिन ये आपने ज़रूर बनाना है। थोड़ी सी और मैंने इसमें जेली जो है ना ऐड कर दी है, मुझे लगा कि जेली थोड़ी कम है तो उसमें मैंने और ऐड कर दी। तो अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, देखें बिल्कुल मज़े से बनाना है इसको आपने, और फुल एंजॉय करके इसको आपने खाना है। तो ये कॉकटेल कुछ मैंने रख दिया था
सजाने के लिए। तो ये इसके ऊपर मैंने डाल देनी है कॉकटेल को। यहाँ पर मैंने ली थी कुछ जेली, कलरफुल सी, प्यारी सी, तो ये भी हम यहाँ पर, इसको खूबसूरत भी लगेगा और खाने में मज़ा भी आएगा। बहुत ज़बरदस्त सा बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर हमारा डिज़र्ट जो है ना बिल्कुल डन हो चुका है, माशाल्लाह बहुत प्यारा सा फ्रूट कॉकटेल डिज़र्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।